IITM यानी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार हेतु आवश्यक महासागर वायुमंडल जलवायु प्रणाली पर मूलभूत अनुसंधान करने में एक उत्कृष्ट विश्व स्तरीय केंद्र है। संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राजभाषा हिंदी एवं अन्य विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी बहुत सारी गतिविधियों में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। एक आम धारणा है कि विज्ञान और तकनीकी विषयों का अध्ययन अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। तब सोचना पड़ता है, झांकना पड़ता है अतीत में, जब वराहमिहिर, कणाद, आर्यभट्ट आदि अपने गणितीय सूत्र अपनी भाषा में दे रहे थे, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आकाश के रहस्य खोज रहे थे, उनका ये सारा अध्ययन और अनुसंधान क्या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ? इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कुछ सीमा तक संस्थान अपने अनुसंधानों, कार्यों और गतिविधियों के माध्यम से कर रहा है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहा है। IITM द्वारा लगभग 5 ऐप लॉन्च किया है, जिसमें से दामिनी, सफर, कुंभ मेला, वेदर लाइव आदि हिंदी, मराठी तथा गुजराती जैसे अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी भाषा का प्रयोग न केवल बढ़े बल्कि कर्मचारियों व अधिकारियों में भाषा के प्रति लगाव हो, इसलिए संस्थान में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए हर तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। इस हेतु दो स्तरों पर कार्य की योजना है। एक है कार्यालयीन कार्यों में हिंदी और दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अध्ययन में हिंदी का प्रयोग। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समन्वयक के रूप में भी इस संस्थान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित की है। वर्ष 2017 से IITM ने पुणे नगर राजभाषा समिति की अध्यक्षता की, जिसमें पुणे नगर के 85 से अधिक केंद्र सरकार के कार्यालयों का राजभाषा संबंधी मार्गदर्शन तथा निरीक्षण भी किया। IITM द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और IITM की वार्षिक रिपोर्ट भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती है, जो प्रतिवर्ष संसद के पटल पर रखी जाती है। हमारे संस्थान में एक समृद्ध हिंदी ग्रंथालय है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, वेद पुराण, उपनिषद, इतिहास, मनोविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर 1500 से भी अधिक पुस्तकें हैं। IITM इंद्रधनुष नामक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। इस पत्रिका में संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों द्वारा वैज्ञानिक लेख, स्वरचित कविताएं, शोध पत्र आदि हिंदी में लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आम जनता के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी प्रादेशिक भाषा में भी प्रकाशित की जाती है। संस्थान समाज के लिए साहित्य और कलाएं एक अनिवार्य शर्त है। संस्थान प्रकृति के वातावरण के अध्ययन के साथ ही सामाजिक वातावरण पर भी विचार करता है। और इसीलिए संस्थान में आयोजित होते हैं साहित्यिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, गोष्ठी, एकल गीत गायन जैसे कार्यक्रम संस्थान के वातावरण को खुशहाल बनाते हैं। इनके यहाँ पिछले ही दिनों 27 मई को एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कवि सम्मेलन के साथ साथ एक नाटक का मंचन भी किया गया। और मुझे ये देख करके बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भी था, इसलिए मैंने उन चीज़ों को बड़ी गहराई से और बड़ी नज़दीकता से देखा। और भविष्य में हम उनकी उस प्रतिभा को प्रोत्साहन देंगे। यम है हम, यमराज की जय, यमराज की जय। छात्र
छात्रों व नागरिकों में शोध दृष्टि और वैज्ञानिक सोच विकसित हो, इसलिए संस्थान पहुंचता है विद्यालयीन छात्रों के बीच। कहा जाता है, हिंदी हिंदुस्तान है, भाषा का विज्ञान है, सारी भाषाओं से भारत का होता ऊंचा मान है। संस्थान में विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं। सभी प्रादेशिक भाषाओं के समन्वय और उन्नयन में हिंदी एक संपर्क सूत्र है। इसे संस्थान ने अपनी गतिविधियों से सिद्ध भी किया है। इसके अलावा बंगला, गुजराती आदि प्रादेशिक भाषाओं में जलवायु और मौसम संबंधी अध्ययन को भी दर्शाया जाता है। यही कारण है कि संस्थान के पूरे परिसर में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। उन पर अंकित है विविध मार्गदर्शक कथन। महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित 7 सूत्री चार्टर के अंतर्गत संस्थान में संस्थान के वैज्ञानिकों के लिए एवं कर्मचारियों के लिए मराठी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं संस्कृतियों के लोगों को जोड़ती है। इसी प्रयास का परिणाम है कि वैज्ञानिक शब्दावली में हिंदी के विशेष प्रयोग के लिए संस्थान को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कोरोना काल ने हमें संवाद और संप्रेषण के नए रास्ते दिखाए और वेबिनार के रूप में विविध विषयों पर संवाद स्थापित हो सका। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जन जन के लिए विज्ञान का संकल्प है। संस्थान वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्यों का दायित्व निभाने के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक निभाता है। संस्थान पंढरपुर की पालकी के वारकरियों के लिए प्रतिवर्ष उपयोगी सामग्री वितरित करता है। महाराष्ट्र की विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को सहायता करने में संस्थान हमेशा तत्पर रहता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारा संस्थान आसपास के स्कूल, सरकारी अस्पताल, नदी आदि की स्वच्छता करने में अपना अमूल्य योगदान देता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में भी बड़े उत्साह से भाग लेता है। संस्थान अपने अनुसंधान, शोध, अध्ययन और कार्यालयीन कार्यों में भाषाई अस्मिता और हिंदी के प्रति कर्तव्य भाव से लगन और चाव से समर्पित है। और जैसे कह रहा है, हिंद में हिंदी का मान हो, ना ही अन्य भाषा का अपमान हो, राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, भारती के भाल का सम्मान हो। जय हिंद, वंदे मातरम।